पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखियापति ग्राम पंचायत कल्याणपुर। मुखिया जी, चुनाव की तैयारी में जनता के बीच मुद्दा क्या है इस बार? मेरा मुद्दा जनता का सेवा करना, पंचायत का चौमुखी विकास करना, गरीब गुरबा का मदद करना, यही मेरा मुद्दा है। लगातार आप मुखिया रहे हैं इस बार जी, तिरस्तरीय पंचायत का जब से गठन हुआ तब से मुखिया पद का बागडोर ग्राम पंचायत का मैं संभाला हूं और उसका मैं नेतृत्व करता हूं। विश्वास और भरोसा इस बार कैसे? जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। नामांकन करने के लिए आप अलग ही अंदाज में आए, कैसा ख्याल रहा आपके अंदर की? ऐसा है कि सरकार का नियमावली था कि वाहनों का प्रयोग नहीं करना है, तो मैं 2001 से ही एक्का का ही प्रयोग किया हूँ नामांकन में, और आज भी किया हूँ, आने वाले दिन में भी करता रहूँगा। ऐसे में मुखिया जी, देखा जा रहा है कि जो कि इस बार बेहतर तरीके से विकास किए हैं अपने गांव को, कैसे इस बार जनता के बीच, युवाओं के बीच इतनी हुकार भरे जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, क्या लगता है इस बार? जनता का मेरे ऊपर विश्वास है, अब मैं जनता पर विश्वास करता हूँ। मेरा एक ही मुद्दा है, जनता का उपकार करना, जनता का सेवा करना। मैं गरीब दुखिया सबका सेवा करता हूँ और चौमुखी विकास करता हूँ। मतदाता के लिए क्या संदेश? सबका सम्मान करता हूँ। मतदाता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने पंचायत क्षेत्र में? मतदाता के लिए संदेश हमारा यही है कि जो भी विकास नहीं हुआ है, अब की बार मैं जीतूंगा तो संपूर्ण विकास करूंगा और जनता का मान सम्मान सदैव रखता रहूँगा। मेरा नाम कविता पासवान है, ग्राम धनसराय धड़र पंचायत की रहने वाली हूँ। आज किस चीज़ का नाम आई थी आपको, क्या लगता है किस तरह से चुनाव के जनता के बीच मुद्दा क्या है इस बार चुनाव लड़ने का? जनता के बीच मुद्दा तो यही है कि नहीं, पूरा एकदम सपोर्ट, सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है एकदम, और हमें भी हौसला बुलंद करके एकदम हम भी अपना कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही था BDC प्रत्याशी बनने का, कि जो हमारे गांव में महिलाओं का कुछ लोग ऐसे मजाक बना कर रख दिए हैं कि जो हर जगह रोक टोक की एक महिलाएं कमज़ोर होती है, उन महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैंने प्रत्याशी ये चीज़ का मैंने की वो, क्योंकि महिला को भी अधिकार है लड़ने का, हम भी एक महिला हैं, उन लोग को जागरूक करने के लिए, क्योंकि महिलाओं का पूरा अधिकार के लिए प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बढ़ावा दिया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? जो कि यही सोच बहुत बेहतर सोच उनका है कि महिलाओं के लिए एक बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी का है। बढ़िया है, ये चीज़ से हम सहमत हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आप अपने माध्यम से जनता को और देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी बेहतर तरीके से एक समाज में उतरने का काम किया गया, आप लोगों को समाज में दिखने के लिए, आप लोगों को आवाज़ उठाने के लिए भी कार्यकर्ता साबित किया गया है, कैसे? इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे भी महापुरुष हैं जो हम लोग को रिस्पेक्ट और मान प्रतिष्ठा का लोग केयर करते हैं, अवसर दिए, ये चीज़ से हम आप सभी, हमारे भाई, पिता समान, भाई समान, आप सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आप लोग का आशीर्वाद प्यार हमारे ऊपर बनाए रहे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।